खाली एक ही बदला है पिछले 2 दिनों में आज में, वो ये कॉल राइटर भी अब पहली बार थोड़ा फंसने के संकेत दिख रहे हैं। जी पहली बार, कोई ऐसी बड़ी फसावट नहीं है, हाँ। लेकिन हल्की फुल्की फंसने के संकेत पहले आते हुए दिख रहे हैं। चाहे तो एक बार विश्वेश जी से भी पूछ लें, थोड़ा विश्वेश जी ठीक है ये? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अभी आप जैसे बात कर रहे हो और मैं डेटा रिव्यू कर रहा हूँ, एक चीज़ तो क्लियर है कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2 करोड़ 92 लाख हाईएस्ट था इंट्राडे में, जो अभी घट के 2 करोड़ 59 लाख शेयर हुए, तो मतलब 40 लाख शेयर कॉल कटे हैं। एट द सेम टाइम पुट राइटिंग बिल्टअप देखना चाहिए। लेकिन अनिल जी देखिए, एक्सपायरी वीक है और मंथली एक्सपायरी है और आईवी 26-27 की है, तो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि राइटर क्या सोच रहा है, राइटर सोच रहा है अगर 17200 भी रहता है और उसने 17200 150 200 रुपये में राइट किया है और मार्केट में कुछ नहीं हुआ और साइडवेज रहा, तो इस प्रीमियम को 0 होना है या बहुत से 30-40 रुपए होना है, तो दैट इज द रीजन कॉल राइटर काट नहीं रहा है। इसका रीजन ये नहीं है कि वो नहीं डरा है, वो नहीं काट रहा है, उसका रीजन है कि उसको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वेगा का, जो 2 दिन में 0 हो जाना है। तो अनिल जी, कॉल राइटिंग के साथ में पुट बिल्टअप देखना चाहिए फॉर अस टू से कि शायद ये ऊपर जाए, बट मुझे ऐसा लगता है देखो टेक्निकल और डेटा कंबाइन करते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। 16800 के नीचे ही फ्रेश मंदी है और मेरे हिसाब से 17200 के ऊपर ही बहुत बड़ा कुछ व्यू लेना चाहिए। तो ये रेंज को आप दबा के राइट करो, मतलब इतना हाई वेगा है आपको 0 ही होना है। मुझे लगता है 16800 के नीचे 17200 के ऊपर नहीं, इस ट्रायंगल को राइट करना चाहिए। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून, एक जो पैनिक रिएक्शन देना था क्या बाजार ने वो दे दिया है और अब थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं फिर, या फिर यहां से और वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करें, किस तरह से देख रहे हैं सर इस डेवलपिंग सिचुएशन को? कुछ दिन बाद ऐसा हुआ है दीप कि 2:30 बजे अच्छी खबर आई है और बाजार रिकवर हुए, अदरवाइज तो 2:30 बजे बाजार टूटते थे। तो शायद कुछ समथिंग इज ब्रोइंग जो हमें पता नहीं है पूरी तौर पे, मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसके कारण से बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है, मगर अभी निश्चिंत होने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चिंता की के जो बादल हैं वो हट चुके हैं, अभी भी कुछ भी खबर आ सकती है जो कि कुछ नेगेटिव खबर हो और नेगेटिविटी जो है मार्केट को और थोड़ा नीचे धकेले। तो संभावना अच्छी है कि कुछ जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो आप बेटर है कि कम पोजीशंस रखें, लेवरेज तो बिल्कुल भी नहीं रखें और हल्के रहें, और जिन कंपनीज में आप रहें वो ऐसी कंपनीज हो जो या तो उनके सेल्स बहुत स्ट्रांग हो, नंबर्स बहुत स्ट्रांग हो, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग हो, लेवरेज ना हो, डेट ना हो, तो ऐसी कंपनीज में रहें। अदरवाइज कैश पे बैठना भी ऐसी सिचुएशन में बुरी बात नहीं होती। तो थोड़ा सा लेट द एयर बी क्लियर्ड, फिर हम शायद क्लियरली बोल पाएंगे कि अब गिरावट पूरी हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एक और प्रॉब्लम जो खड़ी हो सकती है पोटेंशियली वो है चाइना ताइवान की, और प्रॉबेबली वहाँ से कुछ गलत खबर आ जाए या जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है वहाँ से कुछ आ जाए, तो कुछ चीज़ें भी फ्लूइड हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी आउटराइटली जाके खरीदना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। कैश है तो कैश कंजर्व करिए, अच्छे स्टॉक्स हैं तो बैठे रहिए उसके ऊपर, क्योंकि अच्छा स्टॉक है तो निश्चित रूप से जैसे बाजार अपना अपनी ऊपरी सैर शुरू करेगा तो वापस आ जाएंगे वो, तो ऐसा घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, मगर मैं आउटराइटली बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा।